कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हृदय विदारक घटना के विरोध में नीमच के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। नीमच मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर मृतक महिला डॉक्टर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। नीमच मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए इस दुखद घटना का विरोध किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस कार्यक्रम का संचालन मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनगोरिया के मार्गदर्शन में किया गया। प्रदर्शन में डॉक्टर आदित्य बेरड़, डॉक्टर आदेश पाटीदार और मेडिकल कॉलेज के अन्य डॉक्टर भी शामिल हुए। सभी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और मृतक महिला डॉक्टर के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। डॉक्टरों ने इस अमानवीय घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और न्याय की अपील की है। डॉक्टर अरविंद घनगोरिया द्वारा कहा गया है कि हम इस घटना के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि जिम्मेदार व्यक्तियों को जल्द ही सजा मिलेगी और ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो। डॉक्टरों ने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से समाज में सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता को भी जोड़ दिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान नीमच के डॉक्टरों ने एकजुट होकर महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अपने विरोध को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ विनोद घुर्जर की यह रिपोर्ट।